लंबी छुट्टी के बाद वैसे भी स्कूल जाने का मन नहीं करता, और फिर जब छुट्टी 9 महीने लंबी हो तो बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करेंगे ही। ऐसे बच्चों को पढ़ाई की ओर फिर से आकृष्ट करने के लिए विशेष प्रयास तो करने ही होंगे। कुछ ऐसा ही प्रयास सक्षम बिटिया अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य के 13 आकांक्षी जिलों में शामिल बेगूसराय में नीति आयोग की पहल पर सक्षम बिटिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली स्नातक या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों का चयन किया गया है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये लड़कियां स्कूली बच्चियों को उनके घर पर ही पढ़ा रही हैं और उन्हें घर में ही स्कूल का माहौल मिल रहा है। अभियान का कार्यान्वयन नीति आयोग की पार्टनर संस्था पीरामल फाउंडेशन कर रही है। कार्यक्रम प्रबंधक मिथिलेश सिंह का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट की दर घटेगी। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां और हमारे शिक्षा सेवक 6 से 14 साल के बच्चों को स्वयंसेवी रूप से पढ़ाएंगे और उनको सक्षम करेंगे। इसका उद्देश्य है लड़कियों के ड्रॉप आउट को कम करना और उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। इस अभियान में तालीमी मरकज में काम करने वाले शिक्षा सेवकों को भी लगाया गया है। कार्यक्रम को लेकर छात्राओं में उत्साह देखा जा रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे भी ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे जब ट्रेनिंग दी जाती है तो मैं भी बच्चों के साथ उसको शेयर करती हूँ। इससे बच्चों का भी अनुभव बेहतरीन दिख नजर आ रहा है और मेरा भी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी, मेरा भी अनुभव है कि मैं भी कुछ बेहतर हो पाई हूँ पहले से। वहीं पढ़ाने वाली युवतियां भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उन्हें शिक्षक के रूप में अनुभव मिल रहा है। इसमें जुड़ने के बाद मैं खुद भी इससे जुड़ के खुश हूँ कि मैं दो चार लोग के बीच में कुछ भी बोल सकती हूँ, खुद के बारे में, बच्चों लोग के बारे में। अब बच्चों को पढ़ा के मुझे खुद लगता है कि मैं एक टीचर बन सकती हूँ। कोरोना काल में हमने कुछ नई चीज़ें सीखी और हालात के हिसाब से अपने आप को उसमें ढाला। कुछ नए प्रयोग हुए और कुछ नई आदतें बनी। एक ऐसा ही प्रयोग सक्षम बिटिया अभियान भी है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बेगूसराय से अनुज कुमार वर्मा की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।